हाँ जी त्रेता युगी राम को गद्दी पर कोई बिठाता नहीं है, बिठाने करने का काम तो इस समय निश्चित हो जाता है संगम में। संगम में ही राम वाली आत्मा सतयुग में जो आखिरी नारायण बनना होता है उसको लोन देती है राज्य चलाने के लिए। इतना लोन देती है कि आखिरी सतयुग के नारायण की सारी राजाई डूब जाती है और राम वाली आत्मा अपने नाम से राम राज्य ले लेती है। नारायण का राज्य क्या होता है? खलास हो जाता है। ये शूटिंग यहां हो जाती है, वो फिर द्वापर वो त्रेता के अंत में वो द्वा सतयुग के अंत में वो शूटिंग प्रैक्टिकल में उभर आती है। परम धाम में सभी आत्माओं की स्थिति एक समान रहती है क्या? अरे परम धाम का चित्र बना के दे दिया, उसमें आत्माओं की स्थिति भी बता दी। एक जैसी स्थिति है क्या सबकी? कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई दाई ओर है, कोई बाई ओर है, कोई किस धर्म के ग्रुप में है, कोई किस धर्म के ग्रुप में है, एक जैसी स्थिति है क्या? स्थिति भी एक की दूसरे से नहीं मिल सकती। और फिर साकार दुनिया में आने के बाद हर एक का पदमान मर्तबा सबका अलग अलग है। अमृत वेला में अमृत वेला में माया को जीतना है तो क्या करना चाहिए? पहले पहले तो सारा दिन दृढ़ निश्चय करना है हमको कोई श्रीमत की बरखिलाफी नहीं करनी है, क्योंकि बाबा ने माया को डायरेक्शन दिया हुआ है। क्या जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते उनको खूब फटकाना है? ऐसे नहीं कि सारा दिन ही फटकाना है, खास अमृत वेले उनको खूब फटकाना है।
अमृत वेले का फाउंडेशन ही खराब हो जाएगा तो सारा दिन भी खराब जाएगा। तो पहली बात तो पक्का करने की है क्या कि अपन को देखना है कि मैं पक्का पक्का श्रीमत पर ही चलता हूँ, कोई श्रीमत की बरखिलाफ ही तो नहीं करता हूँ। दूसरी बात, अमृत वेले उठते ही दृढ़ निश्चय करना है कि 10-15 मिनट सिर्फ बिंदु आत्मा को प्रकृति में देखना है, बिंदु आत्मा के सिवाय कोई दूसरा संकल्प ना आने पाए। अगर आता भी है तो उसे भगाना है। ये आत्म की स्थिति का फाउंडेशन अमृत वेले उठते ही पक्का करना है। ऐसे नहीं उठ करके भाग खड़े हुए मुंह हाथ धोने के लिए, और सब काम बाद में। पहला काम क्या क्या करना है? अमृत वेले अपन को ज्योति बिंदु आत्मा याद करना है। ब्रकुटी के मध्य में स्टार चमक रहा है, उस स्टार को देखने की कोशिश करना है अंदर की आंखों से। धीरे धीरे प्रैक्टिस पक्की होती जाएगी, फिर बाप की याद भी टिकने लगेगी। नहीं तो बहुत कहते रहते हैं हमें बाबा का चेहरा भी याद नहीं रहता। चेहरा तो बड़ा होता है, चेहरे में बैठी हुई सुप्रीम सोल की बिंदी तो अति सूक्ष्म है, वो कहां से याद आवेगी? याद तो आना चाहिए साकार में निराकार, परंतु कहते हैं हमें तो बड़ा रूप ही याद नहीं रहता, जो इन बाहर की आंखों से भी दिखाई पड़ता है। निराकार शिव ज्योति बिंदु तो इन आंखों से देखने की चीज भी नहीं है। तो हमारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है, साकार भी याद आना चाहिए, और साकार में बैठा हुआ वो निराकार ज्योति बिंदु भी याद आना चाहिए। परंतु वो दोनों याद एक साथ तब आवेंगे जब हमारी आत्मिक स्थिति का फाउंडेशन पक्का होगा। और किसी ने पूछा है अनुसुईया का पुत्र दुर्वासा काशी को शाप देने क्यों जाता है? पूछने वाला भूल गया कि अनुसुईया ही काशी का पार्ट बजाने वाली है। कोई कोई ऐसे होते हैं जो बाप को तो मानते हैं परंतु माता को नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं तो जानते भी नहीं है, और जानते नहीं है तो अनजाने में शाप देने के लिए तैयार हो जाते हैं।
परंतु बाप ऐसा थोड़े ही करने देगा। बाप तो शिव बाबा ही है। वो तो डंके की चोट पर बताए देते हैं कि काशी को कोई साप दे ही नहीं सकता। काशी को कोई साप नहीं लग सकता। वो नगरी कोई भी प्रकार के साप से परे है। क्योंकि सारी दुनिया में एक ही नगरी है जो बाप को अति प्रिय है। दिल्ली प्यारी नहीं है, अहमदाबाद प्यारा नहीं है, काशी नगरी प्यारी है। जहां काश्य अर्थात तेज भरा हुआ है, याद का तेज है, याद स्नेह को कहा जाता है। बाप का स्नेह भी समाया हुआ है। क्योंकि काशी भी रुद्रमाला का मणक है। और भाई भाई का भी स्नेह समाया हुआ है। क्योंकि पहले मणके में ही बाप प्रवेश करता है। इसलिए काशी तो शापित ही नहीं हो सकती। शाप देने वाला अज्ञानी है, इसलिए शाप देने के लिए उद्दत हो जाता है। और द्वापर के आदि में, वो द्वापर के आदि में ही क्यों? 5000 वर्ष में आदि मध्य अंत हर समय हर जन्म में एडम और ईव होते हैं। लेकिन आदम और ईव ये नाम शुरू कब होता है? आदिदेव और आदि देवी ये नाम शुरू होता है संगम में। द्वापर में नाम नहीं पड़ता। ये वो तो 5000 वर्ष भी पार्ट बजाते हैं। वो रुद्रमाला के मण के बीज रूप आत्माएं हैं। उनका कभी विनाश नहीं होता है। द्वापर की बात नहीं है। एडम ईव नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है, अंग्रेजी भाषा में है। वो अंग्रेज दूसरे धर्म के हैं। वो दूसरे धर्म वाले तो द्वापर युग से आते हैं, इसलिए द्वापर से पहले की दुनिया का उनको पता ही नहीं है। इसलिए समझते हैं कि हमारे धर्म पिताएं भी द्वापर से आए हैं, तो एडम ईव भी द्वापर के होंगे। परंतु ऐसा नहीं है। सृष्टि के आदि काल से ही एडम ईव हैं। आदम माने आदि का मनुष्य, जिससे पहले कोई मनुष्य नहीं था। मनुष्य उसे कहा जाता है
जो मनु की औलाद बने पहले पहले, मनु ब्रह्मा का नाम है, मनु कहो मनुआ कहो मन कहो, ये ब्रह्मा ही संकल्प विकल्प करने वाला मन है। उस मनु की चार संतानें हैं पहलोटी की, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार। उन चारों ही संतानों में सनत कुमार सबसे छोटे होते हुए भी ज्ञान और योग में सबसे बड़े थे, बहुत पावरफुल थे, इसलिए उनको ही मनुष्य कहा गया है। पहला पहला आदमी बाबा आदम नाम रख दिया गया। मनन चिंतन मंथन करने वाला, उसको ही मनुष्य कहा जाता है। और रुद्रमाला का पहला मणका है आदम, और आखिरी मणका जो शिव बाप के उतना ही नजदीक है जितना पहला मणका, उस नजदीकी के हिसाब से वो हुई ईव। आदिदेव और आदिदेवी, आदिदेवी में जब ब्रह्मा होता है तो वो आदिदेवी बनती है, ब्रह्मा आदिदेवी में ब्रह्मा होता है तब आदिदेवी नहीं बनती है। यज्ञ के आदि में नजर दौड़ाओ, यज्ञ के शुरुआत में ही शिव बाप जब प्रवेश करते हैं तो पहले दादा लेख जाज ब्रह्मा होता है या पहले ईव और एडम होते हैं? ईव और एडम होते हैं। ऐसे नहीं कि जब ब्रह्मा प्रवेश करे तब ईव होगी, आदि देवी होगी, फिर तो ब्रह्मा ही आदि हो गया। होती है कौन कौन पहले खाया? हाँ, जो बॉडी है ये शरीर ही बाड़ी है, बाग है। इस बाग का जो फल है उसका नाम मुसलमानों ने दिया है गंदुम, गंद। टट्टी पेशाब से पैदा होने वाला सुख, वो गंदुम पहले किसने खाया? जो बाप की श्रीमत थी, किसका उपयोग नहीं करना है? गंदुम का, अपवित्रता का, उसका उपयोग पहले किसने किया? एडम ने किया या ईव ने किया? एडम श्रीमत के बरखिलाफ पहले चला या ईब चली? जो मनन चिंतनशील होता है वो गलती ज्यादा करता है या जो मनन चिंतनशील नहीं होता है वो गलती करता है? विचारवान गलती करता है
कि बिना विचारे जो करने वाला होता है वो गलती करता है। गलती कौन करता है? तो विचारवान एडम है या ईव है? एडम विचारवान है, ईव तो सिर्फ रिपीट करने वाली है। मनन चिंतन मंथन करने के बाद जो मक्खन निकला उसे ज्ञानामृत को हूबहू सुनाने वाली है, कुछ नई बात नहीं निकालने वाली है। इसलिए बुद्धि नहीं चलती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो गंदम का फल कौन दोनों के बीच में पहले खाता है? ईव खाती है या एडम खाता है? ईव खाती है। वो दिखाया है जब श्रीमत के बरखिलाफ कदम उठाती है, विविचारी बनती है, तो नार की दुनिया की शूटिंग होने लग पड़ती है। दुनिया वैश्याले बनने लग पड़ती है, द्वैतवादी दुनिया बन जाती है। पहले अद्वैतवादी देवताओं की दुनिया थी, फिर अनोखों की मत पर चलना शुरू हो जाता है। परंतु बाबा, विक्रमादित्य महाराज माना विकर्म को आदि करने वाला, ऐसे माना मुरली में विकर्म को आदि करने वाला तो रजत एडम है, तो विक्रमादित्य महाराज एक होता है विक्रमजीत, एक होता है विक्रमी संबत, एक विक्रम को जीतने वाला। विक्रमों को जीतने वाला बनता है संगम में, और हारने वाला बनता है कब? द्वापर से, जब द्वैतवादी पूरा आता है। तो एडम और ईव दोनों के बीच में हट पकड़ने वाली कौन आत्मा है कि नहीं हमको ऐसा ही चाहिए? हठयोगी कौन है? जो हठयोगी है उसकी बात माननी पड़ती है, इसलिए विकर्म करने वाला बन जाता है। पहल किसने की? पहल एडम करता है या ईव करती है? है? ईव पहल करती है, इसलिए पाप उसके ऊपर ही जाता है। और ईव तो वास्तव में शरीर है, जगदम्बा तो शरीर है, उसके अंदर काम करने वाली आत्मा कौन सी है? प्रेरक शक्ति कौन है? है? दादा लेखराज ब्रह्मा, वो आत्मा है, वो शरीर रूपी डब्बा है। तो ये रामकृष्ण की आत्माएं हैं जो वास्तव में एडम और ईव हैं, परिपूर्ण रूप से द्वापर युग से। कृष्ण की आत्मा का प्रभाव कब से शुरू होता है? क्राइस्ट कब आता है?
क्राइस्ट और कृष्ण की राशि क्यों मिलाई जाती है? गिरती कला कब से शुरू होती है? नहीं, द्वापर से अगर क्राइस्ट आता है, गिरती कला शुरू करने वाले आते हैं, तो वो तो बाद में आते हैं। उन धर्मों में कन्वर्ट होने वाले कहां से आते हैं? सतयुग आदि से आते हैं। जो सतयुग आदि है वहीं से गिरती कला शुरू हो जाती है। तो सतयुग आदि में कौन सा पहला पत्ता है? कृष्ण वाली आत्मा। उससे पहले गिरती कला नहीं है, उससे पहले बाप चढ़ती कला बनाकर गया था। धर्मराज की शिक्षा कब से और कैसे होती है? धर्मराज शिक्षा नहीं देता है, शिक्षा बाप देता है या धर्मराज देता है? बाप ही शिक्षा देता है। धर्मराज क्या करता है? जो शिक्षा पर अमल नहीं करते हैं और ही उल्टे काम करते हैं, उनको दंड देता है। वो दंड विधान तब शुरू होता है जब बाप की शिक्षाओं का काम समाप्त हो जाता है। शिक्षा देने की भी एक सीमा होती है। अभी शिक्षाएं देते देते 70 साल से ऊपर हो गए, बच्चे सुधरने का नाम ले रहे हैं कि और ही माहौल बिगड़ता जा रहा है? है? और ही माहौल बिगड़ता जा रहा है। तो शिक्षाएं देने की भी कोई सीमा है। अभी फिर भी कोई कोई बच्चे हैं जो बाप की शिक्षाओं पर अमल कर रहे हैं, भले उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। जब सारी दुनिया में अंधेरा हो जाएगा, ब्रह्मा की रात ही रात हो जाएगी, घोर अंधेरा हो जाएगा, तो कोई एक आत्मा पुरुषार्थ करके बाप समान स्टेज को प्राप्त करेगी। वो एक कौन? राम बाप। और राम बाप अकेला कुछ नहीं करता है, बच्चा साथ में चाहिए। तो कृष्ण बच्चा भी आत्मिक स्टेज में परिपक्व बनता है। बाप भी चाहिए तो बच्चा भी चाहिए। इसलिए बाप कभी कहते हैं मेरे साथ धर्मराज भी है। धर्मराज वही बन सकता है जो धारणाओं का राजा हो। धारणाओं में बड़े से बड़ी धारणा है सहन शक्ति। वो सहन शक्ति की धारणा किसने की? ब्राह्मणों की दुनिया में अव्वल नंबर में किसने की? जिसने की वही सहन कराने के निमित्त सबसे जास्ती बनता है। इसलिए नियम है
जो यहाँ जितना सहन करते हैं वो वहां सहन कराने के निमित्त बनेंगे, कोई बाद में बनेंगे और कोई पहले बनेंगे। तो पहले पहले नंबर में सहन कराने के निमित्त कौन बनता है? है ब्रह्मा बाबा। किस रूप में? धर्मराज के रूप में। शिक्षा लेने के लिए? शिक्षा तो रोज मिल रही है, जाना कहाँ पड़ेगा? क्लास में ही आना होता है। बाप कहाँ शिक्षा देते हैं? स्कूल में ही शिक्षा देते हैं। ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं, शूद्रों को थोड़ा ही शिक्षा देते हैं। मेरे हिंदू में अच्छा को शिक्षा मानते हैं, शिक्षा माना ट्रेनिंग। बताओ, शिक्षा को ही सजा मान लेते हैं। अरे शिक्षा देना सजा नहीं है, ये रोने पीटने की बात नहीं है। शिक्षा मिलती है ये तो अच्छी बात है, शिक्षा मिलना अच्छी बात है। शूद्रों को शिक्षा नहीं मिलती है, जो शूद्र हैं वो बाप से पढ़ाई नहीं पढ़ते, ब्रह्मा से शूद्र ब्राह्मण बनते हैं। फिर उन ब्राह्मणों को बैठ बाप शिक्षा देते हैं, और बाप की शिक्षाओं को ही अगर हम दंड समझ लें, धर्मराज का दंड समझ लें, तो ये कैसी बात हो गई? बाप तो शिक्षा देते हुए भी प्यार का सागर है। धर्मराज को थोड़े ही कहेंगे प्यार का सागर है। राम का बाप दशरथ कौन है? क्या वो राम नारायण की लिस्ट में आते हैं? उनका कौन सा नंबर है? 3 प्रश्न। पहला, राम का बाप दशरथ कौन है? नहीं, रथ कहा जाता है शरीर को, 10 कितने रथ? 10 रथ। एक रथ नहीं, 2 रथ नहीं, कितने रथ? 10 रथ। इसका मतलब है कि यज्ञ के आदि से लेकर के जो भी पार्टधारी हुए, देह लेकर के जिन्होंने पार्ट बजाया, वो चाहे प्रजापिता हो, चाहे कृष्ण की आत्मा हो, चाहे छोटी माता हो, चाहे बड़ी माता हो, चाहे सतयुग में बनने वाला सेकंड नारायण हो, थर्ड नारायण हो, कोई भी नारायण हो, ये सब झाड़ के चित्र में जड़ों के रूप में दिखाए गए हैं। किस रूप में दिखाए गए हैं? कितनी जड़ें हैं झाड़ में?
चार दाई ओर चार बाई ओर और बीच में दो, सूर्यवंशी चंद्रवंशी जड़, तो टोटल कितनी हुई? दस जड़ें हैं। दस जड़ों पर कितने बैठे हुए हैं? है? दस बैठे हुए हैं। ये दसों रथ जब यज्ञ में आ जाते हैं साकार शरीर से, तब लास्ट में राम वाली आत्मा यज्ञ में आती है, उनका बच्चा बनती है, उन दसों रथों से पालना लेती है। इसलिए दशरथ का बच्चा राम कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, क्या राम नारायण की लिस्ट में आते हैं? सतयुग में कितने नारायण हैं? आठ नारायण हैं। और धर्म कितने हैं? है? झाड़ में टोटल धर्म कितने हैं? अरे टोटल जड़ें कितनी हैं? दस जड़ें हैं। उन दस जड़ों में से नास्तिक धर्म तो बाप से प्राप्ति ही नहीं करता, क्योंकि बाप को जानता ही नहीं, मानता ही नहीं, तो बाप से राजाई का वर्षा ले नहीं सकता। तो कितने रह गए? नौ धर्म। उन नौ धर्मों में से आठ तो सतयुग में आते हैं, बाकी वो एक कहां होता है? वो एक है संगम युग में, वो ही राम वाली आत्मा जो दशरथ का बच्चा बनती है, वो ही नर से डायरेक्ट नारायण पद प्राप्त करती है। उनका पहला नंबर है, जो भी मालाएं तैयार होती हैं, चाहे आठ हो चाहे 108 की माला हो चाहे 1008 की माला हो चाहे 16008 की माला हो चाहे 9 लाख की लिस्ट हो, सभी मालाओं में पहला नंबर किसका है? है? नारायण का है। वो ही नारायण जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है। और शास्त्रों में दिखाया है, एक लव ने विद्या चुराई, इसलिए द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा काट लिया, और एक लव राम बाप है, जिन्होंने विद्या चुराई तो ये दो लव अलग अलग है या एक ही आत्मा के दो नाम हैं? है? एकलव्य है, एक को प्यार करने वाला, कोई दूसरे को प्यार करने वाला साबित न हो तो वो एकलव्य है, राम वाली आत्मा ही है कि उसके अलावा कोई दूसरी आत्मा भी है? है? है?
एक राम वाली आत्मा ही का नाम शास्त्रों में एकलव्य रख दिया गया है, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। कोई कहे बाबा तो साकार को कहा जाता है और शिव तो निराकार ज्योतिबिंदु का नाम है, तो ये तो दो हो गए। लेकिन मुरली में बोला है बाबा कहने से तेरी बुद्धि में कौन याद आवेगा, निराकार ही याद आवेगा। तेरे लिए ये बात लागू होगी और किसी दूसरी आत्मा के लिए ये बात लागू नहीं होगी। क्या बात? कि जब बाबा तू कहेगा, तू माने एक या दो चार, एक, जब बाबा कहेगा तो तेरी बुद्धि में सिर्फ एक ज्योतिबिंदु निराकार शिव ही याद आवेगा, कोई दूसरा साकार याद नहीं आवेगा। बाकी जो भी आत्माएं हैं जन्म मरण के चक्र में आने वाली, उनको बाबा कहने से कौन याद आवेगा? साकार याद आवेगा। निराकार के साथ कोई को याद आएगा, कोई को सिर्फ साकार ही याद आवेगा। तो राम वाली आत्मा के लिए ही यह है लव शब्द, एकलव्य नाम आया है। ये दो एकलव्य नहीं है और एकलव्य ने विद्या चुराई थी क्या? कहेंगे विद्या चुराई है? विद्या चुराई या प्रैक्टिस करके विद्या ग्रहण की? तो चुराई किसने कह दिया? है विद्या चुराई, ये चोर नाम किसने रख दिया? ये गुरु घंटाल थे, देहधारी गुरु थे, या भगवान ने उनको ये टाइटल दे दिया? है ये गुरु लोग टाइटल देते हैं कि राम वाली आत्मा चोर है, उसने हमारी मुरलियां चुराई है। अरे मुरलियां तुम्हारे बाप की हैं क्या? मुरलियां भगवान की हैं या किसी केस एक खास व्यक्ति की हैं या खास कोई संस्था की हैं या कोई खास धर्म की है? मुरलियां किसकी हैं? भगवान की है। और भगवान के ऊपर सबका अधिकार है कि कोई का है कोई का नहीं है, सबका अधिकार है। तो चुराने की बात क्या हो गई? चुराने की तो बात ही नहीं, ऐसे ही ढोल पीट दिया है कि एकलव्य ने या राम वाली आत्मा ने विद्या चुराई। अरे विद्या चुराने की चीज नहीं है, विद्या तो धारण करने की चीज है। और एक चुराए सकता है, दूसरे नहीं चुराए सकते हैं। एक ही चुराए सकता है, दूसरे नहीं चुराए सकते। दूसरे भी चुराए सकते हैं, फिर दूसरों ने क्यों नहीं चुराई? दुनिया में एक ही बड़ा चोर है। गुरु नानक ने तो कहा असंख्य चोर हराम खोर, उनको चोर नहीं कहेंगे। वास्तव में ये विद्या की चोरी करना, भगवान के महावाक्यों की चोरी करना, ये कोई चोरी नहीं कहा जाता है।
ये तो हर एक को चुराना चाहिए। और हाँ जी नेपाल माने नई दुनिया की पालना करने वाली। तो बाबा नई दुनिया अथवा नेपाल में भाषा अलग क्यों है, इसका अर्थ क्या है? एक कहावत भी है, इनकी तो भाषा ही बदल गई है। हाँ, भाषा बदल गई कि इनका चलन भी बदल गया और इनकी बोलचाल का ढंग भी बदल गया। जैसे दुनिया में बोलचाल का ढंग है वैसा इनका बोलचाल का ढंग नहीं है। वो स्थूल भाषा से मतलब नहीं है। हाँ, ये कहेंगे कि वो नेपाली भाषा भी हिंदी भाषा से बहुत कुछ मिलती जुलती भाषा है। बाकी कोई अलग भाषा नहीं है, लिखी भी हिंदी में जाती है। थोड़े शब्दों का फेर है, जब ऊंची स्टेज वाली आत्माएं हैं तो उनकी भाषा दूसरों को दुख देने वाली होगी या सुख देने वाली होगी? है सुख देने वाली होगी, नंबर वार तो होते ही हैं। एक जैसा नंबर सबका नहीं होता है, भिखारियों में भी नंबरवार होते हैं। परंतु एक जैसे भिखारी नहीं होते। ऐसे नहीं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को भोगने वाला ही भिखारी है, नहीं। किसी को कठोर बात कह देना और उसके दिल को दुख पहुंच जाए, ऐसी भाषा बोल देना, ये भी भिखारी की निशानी है या निर्विकारी की निशानी है? भिखारी की निशानी है। इसलिए ऐसे निर्विकारियों में काशी नगरी को सबसे आगे रखा गया। सोचना समझना, आहत दिल को पहचानना, ये देवताओं का पहला काम है। ब्राह्मण देवता कहा जाता है। ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं। एक जैसे नहीं है।
और ऐसे ब्राह्मण वही बन सकते हैं जिन्होंने लौकिक जीवन में बहुत दुख झेला होगा, बहुत सहन किया होगा। वही दिल का दुख दर्द क्या होता है पहचान सकता है। नहीं देखा होगा तो धारपाड़ बोलते जाएंगे, किसी को दुख हो या किसी को सुख हो या मर जाए या जी जाए, इससे कुछ लेना देना नहीं। तो भाषा कोई स्थूल भाषा की बात नहीं है। नेपाल माने ऊंची स्टेज में रहने वाले। ऊंची स्टेज का मतलब ये ना कोई पहाड़ पर रहने वाले नेपाली, क्या मतलब है? पहाड़ पर रहने वाले नेपाली या ऊंची स्टेज में रहने वाले नेपाली? चाल चलन भाषा आदि की ऊंची स्टेज में रहने वाले नेपाली। ब्राह्मणों के बेहद के अर्थ होते हैं। बाबा चाणक्य सीरियल में दिखाया है सारे मगध का सम्राट घनानंद को दिखाया है, धनानंद, और वो इतना दुष्ट था कि प्रजा के साथ हमेशा अन्याय करता था। फिर अंत में विष्णुगुप्त उनको निकाल देते हैं और चंद्रगुप्त को राजा बनाए देते हैं। इसकी संगम युग में क्या शूटिंग होती है। मगध देश बेहद में, बेहद में मगध देश कौन सा है? गंगा यमुना का जो दुआबा है, आसपास का किनारा है, वो मगध देश कहा गया है जहां मगरमच्छ सदृश मनुष्य होते हैं। गंगा यमुना में ही मगरमच्छ ज्यादा मिलते हैं। आज के भारत में जो भी शासन चल रहा है उस शासन की जास्ती सत्ता किसके हाथ में है, कौन से प्रदेश के हाथ में है? उत्तर प्रदेश, जिसका बड़ा हिस्सा मगध देश में आता है। दिखाया भी जाता है मगध देश में भगवान आते हैं। तो गीता में क्या लिखा है? किस लिए भगवान आते हैं? है दुष्टों का दमन करने के लिए आते हैं, और जो संत प्रकृति के लोग हैं उनको रक्षण करने के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं और अधर्मियों का विनाश करने के लिए आते हैं। आज की दुनिया में स्थूल धन वालों का ज्यादा मान है
या ज्ञान धन वालों का ज्यादा मान है? स्थूल धन वालों का बहुत मान है। सारे हिंदुस्तान की सत्ता किनके हाथ में है? मंत्रियों के हाथ में है, साधु संतों के हाथ में है, प्रजा के हाथ में है। कहा जाता है प्रजातंत्र, प्रजा का शासन। लेकिन इनके हाथ में सत्ता नहीं है, सत्ता है धृतराष्ट्र के हाथ में। धृत माने धारण कर लिया, हरण कर लिया है। राष्ट्र माने धन संपत्ति। जिन्होंने सारे भारत की धन संपत्ति को, सोना चांदी को, हीरे जवाहरातों को हरण कर लिया है, अपहरण करते हैं ना, ऐसे पूंजीवादियों के हाथ में सत्ता है या मिनिस्टरों के हाथ में सत्ता है? मिनिस्टर मिनिस्टर बन कब पाते हैं? उनको पूंजीवादियों से पैसा मिलता है चुनाव जीतने के लिए, तब मिनिस्टर बन पाते हैं, या ऐसे ही बन जाते हैं? कब बनते हैं? पूंजीवादियों से पैसा मिलता है तब बन पाते हैं। तो सारी सत्ता धन में आनंद लेने वालों के हाथ में है या दूसरों के हाथ में है? जो धन में आनंद लेने वाले धन आनंद हैं, उनके हाथ में सत्ता है। मगध देश की खास, ऐसे धनानंद को भगवान बाप आकर के चाणक्य के रूप में, किसके रूप में? चाणक्य, जो सबकी बुद्धि को चकराए देता है, उसका नाम दिया है विष्णुगुप्त। कैसा विष्णु है? है विष्णु का जो रूप दिखाया जाता है उसमें पाइट बजाने वाली चार आत्माएं भुजाओं के रूप में तो प्रत्यक्ष हैं, प्रत्यक्ष हैं, यह देखने में नहीं आती है? अरे चार भुजाएं प्रत्यक्ष हैं या देखने में नहीं आती हैं? हैं? प्रत्यक्ष हैं। वो प्रत्यक्ष विष्णु नहीं, उन चारों भुजाओं को चलाने वाला एक अंदर बैठा हुआ। तो असली विष्णु कौन हुआ? है वो ही हुआ जो अंदर बैठा हुआ है, विष्णुगुप्त। चाणक्य, सांप की बुद्धि चकराई जाती है। ऐसा विष्णुगुप्त है, उस अत्याचारी राजा धनानंद को निष्कासित कर देते हैं। मुरली में क्या बोला है? मैं किनको विश्व की बात सही देता हूं? है गरीबों को देता हूं या धन में आनंद रहने वाले साहूकारों को देता हूं? गरीबों को देता हूं। तो इस समय सबसे जास्ती गरीब आत्मा कौन है? जो बेगर टू प्रिंस बनता है, जिसमें गुप्त चंद्रमा निवास करता है, वो गुप्त चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा वाली आत्मा। खुद बादशाही लेता है कि देता है?
शंकर बाप है, कृष्ण बच्चा है। बादशाही किसको मिलती है? बाप लेता है या नंबर बार बच्चों को देता है? बच्चों को दे। बच्चों में पहला नंबर बच्चा कौन है? ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की आत्मा। वो सतयुग में भी राजा बनेगी और अभी संगम युग में भी उसी का शासन चलेगा। तो चंद्रगुप्त को राजा बनाता है, खुद कफनी पहन के रहता है, रोडपति बन के रहता है। शिव बाप देने वाला है या लेने वाला है? हैं? वो देने वाला है, बिंदी रूप में देने वाला है या साकार शरीर में प्रवेश करके देने वाला है? साकार शरीर में प्रवेश करके देने वाला है। ओम शांति।